भयानक रोडसाइड एक्सीडेंट का केस था। किसी और की लापरवाही की वजह से एक छोटे बच्चे की जान खतरे में थी। उस दिन अगर हमारे एम्बुलेंस समय सर न पहुंचती और एम्बुलेंस के अंदर ही उस बच्चे को वक्त पर फर्स्ट एड न मिलती तो शायद हम उस मासूम को खो बैठते। इमरजेंसी के वक्त हर एक सेकेंड महत्व का होता है। अगली बार जब जान बचाने के लिए डॉक्टर को थैंक यू कहे तो एक थैंक्स पैरामेडिकल टीम को जरूर बोल देना। क्रिटिकल केसेस में नज़दीकी परिवार वाले काफ़ी डरे हुए और सदमे में होते हैं। ऐसे वक्त में सर्जरी और ट्रीटमेंट के दौरान मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं उन्हें शांत करती हूँ और ये ध्यान रखती हूँ कि वो सही समय पर खा ले पी ले। मैं वो हूँ जिन्हें मुश्किल वक्त में वो अपना कह सकते हैं। केवल पेशेंट के प्रति नहीं लेकिन उनके परिवार के प्रति सहानुभूति, यही है सही हेल्थ केयर की परिभाषा। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में पेशेंट और उनके परिवार वालों के पास काफ़ी फ्री टाइम होता है। इस समय का उपयोग मैं और मेरी टीम उन्हें इनफर्टिलिटी जैसे सेंसिटिव मामलों की जानकारी देने में करते हैं। यदि आपके परिवार को आपकी ट्रीटमेंट के विषय में वैज्ञानिक जानकारी हो तो वे हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे। मैं सहयोग में मानती हूँ, मैं एजुकेट करने में मानती हूं। अन्य हॉस्पिटलों में तीन तीन बार महंगे और नाकामयाब ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर्स पर से इनका विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। महीनों तक कांची हिप जॉइंट पेन के दर्द से पीड़ित थी लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है और सिम्स में दो ऑपरेशंस के बीच एक स्वस्थ बालिका की माँ भी बन चुकी है। आई फॉलो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस, आई ब्रिंग रिजल्ट्स। अगर कोई हमसे पूछे केम छो आप कैसे हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। मैं रोज 350 लोगों से यही सवाल पूछती हूँ। सच्चे दिल से की गई फिक्र और एक प्यारी सी मुस्कान, इनके आगे कोई भी दर्द टिक नहीं सकता। Thank you.
मुझे आज भी याद है वो पल जब उस धड़कते हुए लाइव हार्ट को मैंने अपने हाथ में लिया था। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि आज इस ऑपरेशन टेबल पर सोए हुए पेशेंट की जान ही मेरे हाथों में नहीं है। आज इस हार्ट के डोनर, उनके परिवार, मेरी टीम और पूरे गुजरात के भरोसे की डोर भी मेरे हाथ में है। सम्मान और विश्वास का कोई तकाजा नहीं होता, इन्हें कमाया जाता है। पैंसठ साल के स्ट्रोक पेशेंट का ये केस है। हॉस्पिटल लाने में देरी करने की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। हमने उन्हें ठीक किया और तीसरे ही दिन उन्हें डिस्चार्ज दे दिया। स्ट्रोक पेशेंट्स के इतिहास में शायद ये सबसे छोटा हॉस्पिटल स्टे रहा होगा। पेशेंट की हालत अब बिल्कुल ठीक है और वो अपने आप चल भी सकता है। सिम्स में हम लगातार इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि स्ट्रोक पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक करके उन्हें डिस्चार्ज दे दें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नेक इरादों की वजह से ये संभव हो पाता है। आज मैं खुश भी हूं और उदास भी। मेरी लिटिल चैंप जा रही है, आज उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने वाली है। हमारे डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर और नर्स केयर मैनेजर रात से उसके प्लानिंग में जुटे हैं ताकि उसका डिस्चार्ज आसान और सरल हो। परवाह करता हूं मैं ठीक होने तक और उसके बाद। हर संडे को कौन डॉक्टर से मिलना पसंद करता है? मैं करता हूँ। सिम्स में हर्निया के इलाज के बाद सिम्स की टीम मेरे घर पे मुझे देखने को आई। उस दिन के बाद से हम हर संडे मेरे घर पर चेस खेलते हैं और हर संडे मैं उनको हराता हूँ। आजकल के समय में जब ज़्यादातर भारतीय विदेश जाने का सपना देखते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि सिम्स के कार्यकर्ता हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कुछ तो दो दशकों से भी ज़्यादा। क्योंकि हम भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेस्ट बनने का लक्ष्य रखते हैं। Thank you.
हम सक्षम हैं। वी आर सीम्स। मैं सहानुभूति रखती हूँ, मैं सीम्स हूँ। मैं पॉजिटिविटी से भरपूर हूँ, इसीलिए आई एम सीम्स। हमने पेशेंट्स का विश्वास जीता है, दैट इज व्हाई आई एम सीम्स। आई केयर, आई एम सीम्स। 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 आई एम सीम्स।